अध्यक्ष जी क्या कर रहे हो? अरे खुशी में गुड़ खा रहे हैं। अरे मुझे नहीं खुआओगे? अरे भाई तुम भी ले जाओ। फार्मर अश्वनी चौधरी चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय लोक दल और गठबंधन का हमारा जो कार्यालय है मुजफ्फरनगर, और ये देखिए किस तरीके से खुशी की लहर। और आज हम चलते हैं राष्ट्रीय लोक दल और गठबंधन के कार्यालय पर, देखिए ये है खुशी की लहर। पूछते हैं हम अपने अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी क्या कर रहे हो? अरे खुशी में गुड़ खा रहे हैं। अरे मुझे नहीं खुआओगे? अरे भाई तुम भी ले जाओ। जय राष्ट्रीय लोक दल, जय गठबंधन, ये देखो खुशी की लहर। तो आप अपने किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? किसान भाई जो है मालिक है इस प्रदेश के, जो चाहे जीत हासिल किसानों की वजह से हुई है। वाह बहुत बढ़िया, ये किसानों की और एक मजदूरों की जीत कही है हमारे जिला अध्यक्ष जी ने। सर्व समाज की जीत है, सर्व समाज, 36 बिरादरी, सभी के 36 बिरादरी की जीत है, 36 बिरादरी की जीत है। और देखे किस तरीके से खुशी में लड्डू बांट रहे हैं हमारे पूर्व विधायक जी हैं धर्मवीर बालियान। हाँ देखो गुड़ की, भाई मैंने भी लिया है गुड़, देखियो। तो ताऊ जी क्या कहना चाहोगे आप? ये जीत जनता की जीत है और जैन चौधरी हाँ, अगर आपका ये गठबंधन जैसा आप ये जीत हुई है, गठबंधन की जीत आगे भी देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है हमारे विधायक जी ने। ये गठबंधन 24 में भी इस तरह ही जीत हासिल करेगा। और जय राष्ट्रीय लोक दल, जय गठबंधन। और ये जो जीत चल रही है ये इसमें क्या विचार हैं? तो एक बार हमारे यहाँ पर सभी जो लीडर हैं और उनसे हम यहाँ पर जायजा लेते हैं कि किस तरह का। सबसे पहले हमारे भैया युवा हैं चंदन भाई, इनसे पूछते हैं जैसा ये जीत की ओर चल रहा है गठबंधन, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? देखिए मैं मम बधाई देना चाहेंगे, अभी रिजल्ट आ रहे हैं जी, जिस तरीके से खतौली मैनपुरी और रामपुर की जनता ने जी गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ विश्वास दिलाने का काम करा जी, हम पूरी क्षेत्र की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और जैसे जैसे समय आगे जाता जाएगा आप देखेंगे ये लीड बढ़ती चली जी जी जी। एक बार जरा मंत्री जी हैं इनसे भी पूछते हैं, जैसा जीत की ओर है गठबंधन, तो आप क्या कहना चाहोगे? ये किसानों की जीत है, माने जैन चौधरी जी के, उनके गठबंधन की जीत है। ये सरकार का फेलियर है कि सरकार जो है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं है, उसका ये बहुत बड़ा फेलियर है जी जी। तो एक बार थोड़ी सी और, तो आप क्या कहना चाहोगे जैसा ये हमारी गठबंधन जीत की ओर है, तो आप क्या कहना चाहोगे? किसानों की मजदूरों की जीत है, लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके बेहतरी का रास्ता, जयंत जी को लीडर मान करके, अखिलेश जी को और चंद्रशेखर जी को नेता मान करके बेहतरी का रास्ता चुना है। लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से और भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियाँ हैं, उनके जो काले कानून हैं जी, उनके खिलाफ वोट दिया है। एक तरफा जीत है और बहुत बड़ी जीत जी। धन्यवाद। एक बार जरा मंत्री से लेते हैं, तो जैसा जीत की ओर गठबंधन हमारा चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? ये कहना, ये गठबंधन की जीत है, सरकार की फेलियर की है, उन्होंने जो वादे किए थे वो नहीं किए, जनता में उनके प्रति और उत्तर प्रदेश की तीनों की जीत उसके है, गठबंधन ही आगे, ये जनता की जीत है और सरकार की फेलियर, उन्होंने जो वादे किए हैं जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जयंत चौधरी जी की जीत है जी, उन्होंने रात दिन मेहनत करके यहाँ क्षेत्र में लगे किसान और मजदूर को एक मंच पर लाने का काम किया, तो ये जीत किसान और मजदूर की जीत है, जयंत चौधरी की जीत। धन्यवाद। विधायक जी आप क्या कहना चाहोगे जैसा हमारे गठबंधन प्रत्याशी जीत की ओर हैं और लीड का भी दायरा बढ़ चुका है? इन दोनों विधायकों का ले लियो जी, अनिल का भी और प्रसाद, ये बीजेपी की जो बीजेपी ने जो कारनामे किए हैं जी, जो इनकी नीतियाँ थी जी और इन्हें वादा खिलाफ जनता की गैल की है जी, उसका परिणाम है आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी इस क्षेत्र में आके जी जनता के अंदर उत्साह भरा, ताकत भरी, और बीजेपी के खिलाफ जो माहौल को आदरणीय जयंत चौधरी ने बुनाया उसका परिणाम है भीम आर्मी का गठबंधन के साथ आना, उसका हमें फायदा मिला। नहीं नहीं बहुत बढ़िया। तो आपने दलित भाई को भी, हमारे जैसे समाज है उसके लिए भी अपनी जो उनकी तारीफ की है, काबिले तारीफ है और उनका बहुत अच्छा योगदान है। आपने बहुत अच्छे शब्द हमारे दलित समाज के लिए भी रखे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधायक जी आप क्या कहना चाहोगे जैसा हमारा गठबंधन प्रत्याशी जीत की ओर है? जीत की ओर होना भी चाहिए क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं अभी फिलहाल जी जी,
जान सारे पॉजिटिव हैं, लगभग 11,000 वोटों से हम लोग आगे चल रहे हैं। वो इसलिए आगे चल रहे हैं क्योंकि सर्व समाज का वोट सतन भाइयों को मिल रहा है जी। जिस प्रत्याशी को सर्व समाज का वोट मिल रहा है वो प्रत्याशी हमेशा जीत की तरफ चलता है। और जो आगे राउंड रहेंगे हमें पूरी उम्मीद है कि उन राउंड में हम लीड लेंगे और मदन भैया भाई काम करेंगे। विशेष सहयोग आप बैठ लो समाज का जी जी जी, दलित समाज का बड़ा विशेष सहयोग है। उन्होंने पहली बार जी पहली बार राष्ट्रीय लोकदल में बढ़ने का काम किया है। इस जीत में उनका अहम रोल रहेगा। धन्यवाद। तो आप क्या कहना चाहोगे विधायक जी? जी जैसा हमारे गठबंधन प्रत्याशी जीत की ओर है। दरअसल पिछले दो वर्ष जो अभी 8 महीने पहले चुनाव हुआ था, इस कंडीशन पर आने के बावजूद जो हमारे गठबंधन प्रत्याशी थे वे थोड़े से डाउन चले गए थे। अब ये बार बढ़त की ओर है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? हमें जीत की जो आशंका लग रही है वो अब बढ़त दूरी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ गई है, ऑटो की दूरियाँ बढ़ चुकी है। तो अब की बार इसलिए बढ़त है, माननीय जयंत चौधरी जी का वर्क, जयंत चौधरी जी की नीति, जयंत चौधरी जी जो वर्क किया जयंत जी ने, लोगों के बीच आके समझाया उनको, उनके अपनी नीतियों को समझाया और भाजपा से नाराजगी, लोगों की क्षेत्र के लोग भाजपा से नाराजगी और प्रत्याशी से नाराजगी जी। तो वो नाराजगी का भाजपा से नाराजगी का आप लोगों को लाभ मिला और उसमें गन्ने का रेट भी है, किसानों की समस्या भी है, किसानों की महंगाई भी है जी। तो ये सब चीज़ अच्छा हम कह सकते हैं जैसा चंद्रशेखर आजाद आए हैं तो क्या उनके आने से भी फायदा? चंद्रशेखर के आने से हम लोगों को मजबूती मिली और इसमें समाजवादी और चंद्रशेखर भी जी और राष्ट्रीय लोकदल जी वीरों के गठबंधन को मजबूती मिली आपस में गठबंधन करने के बाद। तो एक बार जरा थोड़ा सा हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं उनसे पूछते हैं, जैसा हमारा कैंडिडेट गठबंधन प्रत्याशी जीत की ओर है तो आप क्या कहना चाहोगे जनता को? मैं तो कहना चाहूँगा जी माननीय जयंत चौधरी जी के हैं जिन्होंने हाँ दिन रात एक कर और सभी समाज के वर्गों को जोड़ना काम किया, किसान के मेरा वर्ग एक मंच बनाना काम किया और किसानों की आवाज़ को आज भी कल भी पार्लियामेंट में बोले थे बुलंद करने का आवाज़ किया। गुड्डू भाई हम एक चीज पूछना चाहते हैं, जैसा हमारे साथ चंद्रशेखर जी आए हैं तो क्या उनका कितना असर पड़ेगा? उनका भी बहुत ज्यादा असर है, कई दिन में यहाँ क्षेत्र में रहे जी, उन्होंने बहुत दलित समाज की वोट काफी तादाद में राष्ट्रीय लोकदल के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार रखे। एक बार हमारे बीच में हमारे बड़े चौधरी साहब हमारे सांसद जी हरिंदर मलिक जी हैं, इनसे भी हम दो बात पूछते हैं कि जैसा हमारे गठबंधन प्रत्याशी जीत की ओर है आप किसानों को क्या कहना चाहोगे? सरकार किसान लोग से तंग आकर के भतोली की जनता ने देश के दो बड़े किसान नेताओं आदरणीय नेताजी को मुलायम सिंह यादव जी को और आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में वो किया है और अहंकार पर सज्जनता की विजय हुई है। तो मैं जयंत चौधरी की मेहनत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोकदल कार्यकर्ताओं का जीत हो, खुले मन से काम करना ये जीत का कारण। अगर ये मैं आपसे पूछना चाहूँ, अगर ये गठबंधन मिलता है तो इसमें तो ये आभास हो रहा है, अगर ये गठबंधन सक्सेस हुआ तो इसमें सरकार देश में प्रदेश में मेरा मानना जो है सरकार बना सकते हैं आप लोग? गठबंधन आदरणीय अखिलेश जी का, आदरणीय जयंत जी का, आदरणीय चंद्रशेखर जी का गठबंधन साकार हो रहा है और साकार हो चुका है। सरकार जाएगी निश्चित रूप से, अब की बात गठबंधन की सरकार बनेगी और अगला चीफ मिनिस्टर गठबंधन का बनेगा, अखिलेश यादव बनेगा। बहुत अच्छे विचार रखे आपने। तो एक बार जिलाध्यक्ष जी हैं हमारे, इनसे भी हम थोड़ा सा पूछते हैं, जैसे हम हमारा गठबंधन प्रत्याशी जीत की ओर है तो आप क्या कहना चाहोगे हमारी जनता से? ये बीजेपी की जन विरोधी नीतियों की हार है जो उन्होंने किसान मजदूर छोटे व्यापारी विद्यार्थियों के साथ जो गलत नीतियों का प्रयोग किया है, जनता ने वो संदेश दिया है और हमारे नेता अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी और चंद्रशेखर जी, इनके नेतृत्व का काफ़ी किस्म हुआ है और ये 2024 का संदेश है। 2024 में भी उत्तर प्रदेश से भाजपा की विदाई हो जाती है। अगर मैं कहना चाहूँ ये लोकतंत्र की जीत है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? निश्चित रूप से लोकतंत्र की जीत है,
जनता सरकार की गलत नीतियों का जब विरोध करती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र निश्चित रूप से लोकतंत्र की जीत।